आज का टॉपिक है प्लेगरिज्म एंड हाउ टू अवॉइड इट। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है। पहला शब्द है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब डुप्लीकेट कंटेंट एंड हाउ टू अवॉइड इट। दैट मीन्स कि जब हम रिसर्च करते हैं तो बीइंग अ रिसर्चर हमको बहुत केयरफुल होना होता है रिगार्डिंग कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जो भी मटेरियल, जो भी पैराग्राफ, एग्जाम्पल्स, प्रीवियस लिटरेचर आप अपनी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ रिसर्च पेपर और एनी अदर कंटेंट। जहाँ भी रिसर्च करते हैं हम, जिस भी एरिया में रिसर्च करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली एक बैक सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। प्रीवियस हम रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं, रिव्यूज़ करते हैं लिटरेचर्स की, राइट, कि पुराने जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, फाइंडिंग्स क्या थे, कंक्लूजन क्या आया, क्या इम्पोर्टेंस इसको पुराने रिसर्च में रहा है और क्या अपकमिंग रिसर्च में होने वाला है। उसी के बेस पे हम करंट स्टडी डिसाइड करते हैं और अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। लेकिन बीइंग अ रिसर्चर हमें उस कंटेंट को टू कॉपी, मतलब एज इट इज़ नहीं लिखना है, है ना। जैसे मान लीजिए आपने अभी, जैसे एक असाइनमेंट मैंने दिया था टाइटल ड्राफ्ट करने का, थ्री टाइटल्स आपको आपके सब्जेक्ट से के रिलेटेड ड्राफ्ट करने थे। तो दो ऑप्शन है, पहला क्या है कि आप नंबर ऑफ 10-15 नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पढ़िए, उनके टाइटल्स पढ़िए, नॉट फुल पेपर, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द टाइटल, टाइटल पढ़िए और उसके बाद आप अपने शब्दों में अपने रिसर्च टाइटल को बनाने की कोशिश करिए। तो जब यदि आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो कहलाता है ओरिजिनल कंटेंट, है ना। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनलिटी लिए हुए है, उसमें कहीं भी कोई डुप्लीकेसी नहीं है, राइट। लेकिन जब हमने पुराने रिसर्च से रिव्यू किया, पेपर पढ़ा और उसको एज इट इज़ लिख लिया, माइट बी पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हम शायद प्रॉपरली सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं या पर्टिकुलर उस विषय में, उस टॉपिक में कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, है ना, रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेम वैसा कॉपी नहीं करना है। यदि हम करते हैं, रिसर्चर यदि ये काम करता है सेम टू सेम डेटा कॉपी करने का, उसको कहते हैं प्लैगरिज्म। और ये अच्छी बात नहीं है, है ना, गुड साइन नहीं है एक रिसर्चर के लिए कि आप इतनी मेहनत से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरह की रिसर्च प्रॉब्लम हो रही है, उससे बचने के लिए आप डेटा को कॉपी कर लें। तो इसलिए ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। US में जो प्लैगरिज्म है उसको सीरियस ऑफेंस माना जाता है, है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि रीज़न है, बीइंग अ रिसर्चर जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो एक रिसर्चर को अपनी भाषा में अपने तरीके से चीज़ों को लिखते आना चाहिए। यदि वो नहीं लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके नॉलेज में या उसके लिखने की शैली में, निपुण कहते हैं कि निपुणता आपकी राइटिंग में नहीं है, तो दैट मीन्स वो कमी है। किसी भी कमी के कारण आपको कंटेंट को कॉपी नहीं करना है। तो कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले आप लिखने की आदत डालिए, चाहे सिस्टम पे लिखिए, कंप्यूटर पे, चाहे कॉपी पेन पे लिखिए, लेकिन ड्राफ्टिंग की आदत डालिए। दैट मीन्स टाइटल ज़्यादा से ज़्यादा ड्राफ्ट करिए, टाइटल बनाने के बाद उसके उद्देश्यों को बनाने की कोशिश करिए और ऐसे ही एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए। तो रफ में जब आप अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि कल जो टाइटल बनाया था उसकी तुलना में आज अच्छे से टाइटल बना है। अच्छे से का मतलब है उचित शब्दों का चयन किया गया है, सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइटल में मिलेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाउ टू ड्राफ्ट रिसर्च टाइटल। जब हम टाइटल को ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें कुछ शब्दों की विशेष भूमिका होती है, कुछ शब्दों को अवॉइड करना पड़ता है। इफ़ यू रिमेम्बर,
डबल मीनिंग वाले वर्ड यूज़ नहीं होते हैं, है ना। और नेगेटिव सेंस, ऐसे वर्ड जो नेगेटिविटी में की तरफ जिनका झुकाव हो, वह वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। बहुत ऑफेंसिव, कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये US में इसको बहुत सीरियस इशू लिया गया है और ये दे आर टेकिंग इट एज ए ऑफेंस। पॉसिबल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं प्लैगरिज्म के, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है विभिन्नताएं उत्पन्न होना, विवाद उत्पन्न होना, झगड़े उत्पन्न होना। तो वो कॉन्सिक्वेंसेज यानी किसी काम का क्या असर हो रहा है ना, नेगेटिव सेंस में। जैसे मान लीजिए एक घर, यदि हम बोलें न्यूक्लियर फैमिली है, उस न्यूक्लियर फैमिली के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब फ़ायदे या नुकसान। और जॉइंट फैमिली है तो उसके अपने फ़ायदे या नुकसान होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सो पॉसिबल जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लैगरिज्म है वो है फेलिंग ग्रेड ऑन पेपर। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उसका जो स्तर है पेपर का वो धीरे धीरे गिरने लगता है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है। यहाँ पेपर का मतलब रिसर्च पेपर से है। क्यों गिरने लगता है? मान लीजिए मुझसे लिखते नहीं बना, मैंने किसी का कॉपी कर लिया, आगे वाली जनरेशन से उनसे लिखते नहीं बना, उन्होंने मेरा कॉपी कर लिया। तो न्यू चीज़, नई चीज़, नया तरीका, नया टेक्नोलॉजी या नई कुछ मॉडल, रिसर्च मॉडल जो हम बनाते हैं, वो कहाँ से सामने आएंगे? वो सामने ही या नहीं आ पाएंगे। दैट मीन्स जो पेपर है उनमें क्वालिटी ही नहीं बचेगी 10 साल बाद। 10 साल तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो गया, कुछ सालों में ही जो रिसर्च पेपर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा है फेलिंग ग्रेट फॉर कोर्स। आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उसमें ही निपुणता नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपी कर लिया, नया नहीं कुछ कर पाए, कुछ न्यू इनोवेट नहीं कर पाए, नए तरीके नहीं खोज पाए, प्रेजेंटेशन के नए तरीके नहीं खोज पाए कि हाउ टू प्रेजेंट, है ना। जैसे अभी असाइनमेंट मंगवाया है, सबके अपने अपने तरीके हैं लिखने के, लिखा सबने एक ही बात है, टॉपिक सबके लिए सेम था, लेकिन सबके लिखने का तरीका अलग है। लेकिन जिन्होंने कॉपी कर लिया होगा उनका तरीका क्या रहेगा? कॉपीड वाला ही रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा। इसलिए नएपन को ना खो जाए, स्टडी आपकी ऑथेंटिक रहे, सही रहे, इसलिए डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ स्टूडेंट, ये वीज़ा स्टेटस इन ये US के रेफरेंस में है, ठीक है। US में जो रिसर्च है उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ की गवर्नमेंट लेती है। जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो जितना वो सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है तो वो स्ट्रिक्ट रहना उनका नेसेसरी है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस थे। उसके बाद आते हैं गुड न्यूज़ पे, बैड न्यूज़ हो गई। व्हाट आर दी गुड न्यूज़ रिलेटेड टू प्लैगरिज्म? मतलब जब हम बीइंग अ रिसर्चर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या ऐसा अट्रैक्शन है जो हमें ओरिजिनल कंटेंट लिखने के लिए प्रेरित करता है? सो प्लैगरिज्म इज़ अवॉइडेबल इफ़ यू, कैसे प्लैगरिज्म को दूर किया जा सकता है, है ना। सो पहला है अंडरस्टैंड व्हाट प्लैगरिज्म इज़। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि प्लैगरिज्म आखिर है क्या, किसको हम प्लैगरिज्म कहते हैं, क्यों। जब आप अभी तो सुने में आपने सुन लिया कि जब डुप्लीकेट कंटेंट होता है इसको दूर करना ही, इसको नहीं लेना ही, यदि वो कंटेंट लिया है, डुप्लीकेसी है, तो वो प्लैगरिज्म कहलाता है। लेकिन देखिए सवाल आपके मन में कैसे कैसे आएंगे। जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे और आपने वहाँ पर रेफरेंस लिख दिया, राइट, जैसे असाइनमेंट के लिए आपने सीआर कोठारी से हेल्प ली है और वो कंटेंट को लिख दिया है। लेकिन दो प्रकार के तरीके होते हैं कंटेंट को लेने का। एक तरीका होता है कि आपने पहले रीडिंग किया उस टॉपिक को और फिर अपने शब्दों में लिखा,
दूसरा तरीका होता है कि वो बुक ली, वो कंटेंट ढूंढा, वो टॉपिक ढूंढा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च या विशेषताएं, रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, वो कंटेंट बुक में ढूंढा और उसके पॉइंट्स को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट में एफर्ट दिख रहा है रिसर्चर का, जहाँ आपने प्रॉपर स्टडी की है अपने शब्दों में, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, खुद के विचारों को डालते हुए, नॉलेज को डालते हुए, एक्सपीरियंस के साथ कंटेंट लिखा है उसमें। और ढूंढने में मेहनत तो ज़रूर की है कि बुक में वो कंटेंट कहाँ है, लेकिन जो लिखा है वो कॉपी कर दिया है। तो सेकेंड वाला जो कंटेंट है वो प्लैगरिज्म कहलाएगा, प्लैग कंटेंट कहलाएगा, प्लैगरिज्म इट्स अ प्रोसेस, प्लैग कंटेंट कहलाएगा। सेकेंड है अंडरस्टैंड व्हाट साइटेशन इज, साइटेशन, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। साइटेशन का मतलब है, मान लीजिए जैसे अभी ये मैं क्लास ले रही हूँ प्लेगरिज्म पे, और प्लेगरिज्म पे मैंने अपने व्यूज़ रखे, ये तो मैं कंटेंट से पढ़ा रही हूँ लेकिन मैंने अपने व्यूज़ रखे। अब आप कुछ पेपर लिख रहे हैं और आपने लिखा कि नम्रता मैडम के अनुसार फला फला डेट को ऑनलाइन क्लास के दौरान ये सेंटेंस कहे गए प्लेगरिज्म के लिए, जो बातें कही गई वह आपने मेन पेज में लिखा, मेन जगह पे लिखा और उस पर मार्किंग कर दी कि ये नंबर वन किसने कहा, मैडम ने कहा, और नीचे मेंशन कर दिया साइटेशन कि ये उन्होंने कब कहा था। ये जो पूरी प्रोसेस है वो साइटेशन कहलाती है, ठीक। रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी दूसरी अलग चीज़ है। लुक एट योर राइटिंग लाइक योर रीडर डज, हमेशा अपनी लिखी हुई चीज़ों को एक बार रीडिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा आंसर लिखने के बाद एक बार रीड करो, कहीं कोई गलती तो नहीं है। सिमिलरली सेम रूल खुद पे भी, हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि जब हम उसको एज ए रीडर रीड आउट करेंगे, एज ए रीडर ही रीड आउट करेंगे, तो हमें हमारी गलतियाँ नज़र आएंगी, है ना, कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। हो सकता है जब हम लिख रहे हों तो वो सेंटेंस क्लियर ना लिख पाया हो, इसलिए हमेशा जो भी कंटेंट आप लिखते हैं उसको एक बार रीड करके देखिए, ग्रामर सही है नहीं, डबल मीनिंग सेंटेंस तो नहीं है, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स तो नहीं कह दिए हैं, या कुछ ऐसे बैड वर्ड्स तो यूज़ नहीं हो गए हैं, है ना, अश्लील शब्द तो यूज़ नहीं हो गए हैं, या जो हमारी, जिसको हम बोल चाल की चालू भाषा बोलते हैं, वो वर्ड्स तो यूज़ नहीं हो गए हैं। क्योंकि जब हम एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं उसका अपना एक महत्व होता है, और जितने शब्द लिखे जाते हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए लिखे गए हैं। तो हमेशा एक रीडर के जैसे, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंटेंट को, राइटिंग कंटेंट को चेक कीजिए। प्लैगरिज्म वाज इट, सो प्लैगरिज्म सबमिटिंग अ पेपर यू डिडंट राइट योरसेल्फ, इसमें एक लाइन में समझा दिया है, आपने वो पेपर जो सबमिट कर दिया है लिखा ही नहीं था, एक ऐसा कंटेंट जो हमने लिखा नहीं था और सबमिट कर दिया है कि हाँ हमने सबमिट किया है, ये बोल के सबमिट कर दिया, वो कहलाता है प्लेगरिज्म। इसी को डुप्लीकेट कंटेंट भी बोलते हैं, कॉपीड कंटेंट भी बोलते हैं, या कंटेंट की चोरी भी बोलते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग जो रिसर्च पेपर लिखते लिखते या रिसर्च स्टडी के दौरान इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनको आ जाता है कि दो सेंटेंस लिखा है तो उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज मतलब अपने तरीके से कैसे लिखा जाए। लेकिन कई बार जब डायग्राम होते हैं, मॉडल्स होते हैं, है ना, बार डायग्राम हुआ, पाई चार्ट हुआ, ठीक है, और हायरार्कियल कुछ पिरामिड हुआ, पिरामिड शेप में कुछ कंटेंट हुआ, कोई प्रोसेस है, वो बनाने की दिक्कत से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, उसकी पिक्चर ले लेते हैं और उस पिक्चर को पेस्ट कर देते हैं अपनी स्टडी में, और ये शो करते हैं कि ये उनकी स्टडी से रिलेटेड है,
और उन्होंने बनाया है। कोई बुराई नहीं है यदि आप सेम कंटेंट को ले रहे हैं, यदि वो आपके रिसर्च स्टडी से रिलेटेड है। बट गलती कहाँ हो गई कि आपने उसकी पिक्चर ली और उसको कॉपी कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिरामिड आप बनाइए और सेम वर्ड लिख दें, नहीं। जो वर्ड्स उसमें है जितना हो सके उसको चेंज करके फिर लिखिए, तो आप किससे बच जाएंगे? चीटिंग से, है ना। और ये सभी को पता है प्लैगरिज्म का मतलब होता है चीटिंग, कि आप धोखा कर रहे हैं। फिर है कॉपिंग फ्रॉम सोर्सेज एंड प्रिटेंडिंग यू रोट इट योरसेल्फ। ये बच्चों जैसी बात हो गई, जैसे बच्चे नहीं एक दूसरे भाई बहन की चॉकलेट चुरा लेते हैं, बोलते नहीं हमने नहीं लिया। सेम ये वही बात हुई कि कंटेंट तो आपने कॉपी करके लिखा है, बट यू आर प्रिटेंडिंग, आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि चूंकि इसमें करेक्शंस मैंने किए हैं, एक दो वर्ड्स यहाँ वहाँ किए हैं, मात्राएँ सही की हैं, स्पेलिंग सही की है, मैंने ढूंढा है और उसको लिखा है, लिखा है मतलब कॉपी किया है, इसलिए ये मेरा ही ओरिजिनल कंटेंट कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो प्लैगरिज्म ही कहलाएगा। कॉपिंग फ्रॉम सोर्स, यदि सोर्स से आपने जहाँ भी आपको मिला वहाँ से सीधा कॉपी कर लिया। इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो होता है व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेजेस। कई बार क्या होता है, हैप्पी दिवाली में भेजने वाले सेंडर का भी नाम है, वो सेंड होते होते कई लोगों के में चला जाता है और उसको लोग पहचानते भी नहीं है कि सोर्स क्या था, पहले सबसे पहले उसको किसने भेजा था। होता है ना ये सभी के साथ, तो वो क्या कहलाया? प्लैग कंटेंट कहलाया। और हम लोग कैसे फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमारे मोबाइल में आया है, हमारे व्हाट्सएप में आया है, हम भेज रहे हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। तो सेम सिचुएशन आपको रिसर्च में नहीं करनी है, कंटेंट को खुद से लिखना है, लिखा हुआ कंटेंट ही प्लैग फ्री कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। वी ऑल नो दिस इज चीटिंग टू, सबको पता है कि जो फॉरवर्डेड मैसेज है वहाँ तो दिख जाता है कि फॉरवर्डेड मैसेज है। कुछ लोग थोड़ा सा चलाकी भी करते हैं कि उसको वापस से जाके फॉरवर्ड ना करके शेयर करते हैं ताकि वो फॉरवर्डिंग वर्ड हट जाए। बट एवरीबडी नोज कि क्या कंटेंट आप जिनकी सराउंडिंग में है, टच में है, क्या कंटेंट आप लिख सकते हैं और क्या कंटेंट आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम होता है रिसर्च में, सभी को पता है कि आप कितना लिख सकते हैं। यदि लिखनी राइटिंग स्किल वीक है तो उसको अभी से इम्प्रूव करिए, जो गलतियां हैं उसको सुधारिए, ताकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको कहीं का पूरा कंटेंट कॉपी करना पड़े। यूजिंग अ सोर्स एंड सेइंग इट इज़ अ डिफरेंट सोर्स, बच्चों जैसी बात है ये कि यूजिंग अ सोर्स मतलब हमने कहीं मान लीजिए गूगल सर्च किया है, गूगल सर्च इंजन यूज़ किया है और हम क्या बोले, नहीं नहीं यहाँ से नहीं लिया था, वो तो मेरी एक फ्रेंड की रिसर्च था उसमें से मैंने लिया है, तो किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार की चोरी, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हो, है ना, और फिर आप उसको जस्टिफाई करें कि अरे एक्सीडेंटली हो गया, कि गूगल सर्च इंजन में भी सेम मिला होगा, उसने लिया होगा, मेरी फ्रेंड ने वहाँ से लिया होगा, मैंने तो गूगल से नहीं लिया, तो ये सारी जो बातें हैं वो कहलाती हैं प्लैगरिज्म में। सब पकड़ लेते हैं, सबको समझ में आता है कि वो कंटेंट प्लैग्ड है। यू यूज़ ऑथर्स आइडियाज एंड वर्ड्स विदाउट गिविंग ऑथर क्रेडिट। आप किसी से, अब मान लीजिए जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आप रिसर्च टाइटल पब्लिकली यदि नहीं बताना चाहते हैं तो उसको मत बताइए, यदि सेम टाइटल आप अपने रिसर्च का लेना चाहते हैं। क्यों? ओपन फोरम है, मान लीजिए सबने अपने टॉपिक बताए, किसी एक कैंडिडेट को किसी दूसरे का टॉपिक ज़्यादा अच्छा लग गया, क्योंकि हो सकता है उसने खुद से बनाया, बहुत अच्छे से सेंटेंस फ्रेम किया और काफ़ी अच्छे से अट्रैक्टिव था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, और दूसरे ने क्या किया और सेम टॉपिक को कॉपी कर दिया विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू ऑथर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को बता दीजिए हाँ हाँ तुमने ये टॉपिक बताया था और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, और आप समझें कि ये प्लैग फ्री हो गया, नहीं, इतने से वो प्लैग फ्री, इतनी ईमानदारी दिखाने से वो प्लैग फ्री नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस कंटेंट को प्लैग फ्री कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है कि अब ये तो पता चल गया कि हम फ्रेंड के टॉपिक को ही कॉपी कर रहे हैं, तो अब उसको प्लैग फ्री कैसे करेंगे? आप उसमें लिखेंगे, है ना, कि आपके फ्रेंड के फला फला सोर्सेस, फला मतलब बुक से लिया है तो बुक से, नोट से लिया है तो, है ना, किसी
रिसर्च स्टडी से लिया है तो सोर्स लिखेंगे कि आपके फ्रेंड की किस सोर्स से आपने ये कॉपी या ये कंटेंट या ये आइडियाज़ लिया है ना। अब दिस इज़ मेन सोर्स ऑफ प्लैगरिज्म, ये मेन सोर्स होता है प्लैगरिज्म का। कन्फ्यूजन क्या है कि इवन फॉर अमेरिकन, लेट्स लर्न टू अवॉइड दिस। ये अमेरिका का यहाँ हम छोड़ देते हैं, अमेरिका में जो है रूल्स अलग है रिसर्च के लिए और इंडिया में रूल्स बहुत अलग है रिसर्च के लिए। हाँ, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अमेरिका में है जबकि वहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस है तो भी वो कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे बताना है। टॉकिंग टू योर रीडर, मेक क्लियर हु सेड थॉट एंड व्हाट। आप इस चीज़ से श्योर होइए पहले कि यदि आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि हाँ चाइल्ड बिहेवियर से रिलेटेड मेरे एक सर हैं, उन्होंने भी लेक्चर में बताया था, किसी तो बुक से बताया था। अब देखिए, एक सर ने बताया था, किसी तो बुक से बताया था, अब उस बुक के ऑथर कोई और होंगे, राइटर कोई और होंगे, तो इस पूरे चेन में क्या हमको मेन सोर्स पता चल पा रहा है कि किसने एग्जैक्टली कहा है, ओरिजिनल ये व्यूज़ या स्टेटमेंट किसका है? नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बींग अ स्कॉलर, बींग अ रिसर्च स्टूडेंट, कि आप क्लियर करें जितना हो सके। ये कोशिश की बात है कि जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश कीजिए कि मेन सोर्स पता करें और उसके बाद ऑथर के नाम से वो वर्ड, एग्जैक्ट सेम वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, फिर वो प्लैग में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अपना इंडियन बजट है, तो आप उसमें लिखिए कि इंडियन बजट पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022। कुछ रिपोर्ट से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो पूरा सोर्स मेंशन करिए और वो रिपोर्ट की जो बातें हैं लिखिए, तो वो साइड वो प्लैग में नहीं आता है। समटाइम्स यू पैराफ्रेज ऑथर। पैराफ्रेज, ये जो एक वर्ड देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैराफ्रेज इसका मतलब है, कहीं से मैंने कोई स्टोरी सुनी, सुनने के बाद मुझे जितना याद रहा उसके कुछ शब्दों को बदल कर मैंने उसको ऑथर चेंज कर दिया। ये आजकल ये हो सकता है कि अभी इस लेवल पे आज की डेट में एक पहले दिन आपको पैराफ्रेज नहीं समझ में आए, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ये बता देते हैं कि इस पूरे कंटेंट में, जैसे आपके सामने ये स्लाइड है, तो इस पूरे कंटेंट में हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, हेल्पिंग जो वर्ड्स हैं ना उनको छोड़ के मेन जो की वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स क्या होंगे और उसके सिनोनिम्स को आप यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, है ना। तो सिनोनिम्स चेंज कर दिया तो क्या हो गया, वर्डिंग चेंज हो गई। अब कुछ कुछ वर्डिंग चेंज कर लिया आपने, ऑर्थर चेंज किया, अपना नाम डाल दिया, तो ये भी फ्लैग में आता है। बट ऑलवेज यू मेक इट क्लियर विच वर्ड थॉट आर ऑथर्स, विच वन योर्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड्स मेन ऑथर का है और कौन से वर्ड्स आपके द्वारा लिखे गए हैं। Readers understand because you follow certain conventions, agreed upon ways of doing things. जो reader है उसको पता है कि आप ये थोड़ी बहुत इतना सभी करते हैं, जैसे paraphrase कर दिया है ना, कोई sentence नहीं बन रहा है। अब बहुत ज़रूरी है, जैसे software में कई बार क्या होता है, ANOVA जो statistical tool है उसको भी वो plagued content ले लेता है, तो अब ANOVA तो ANOVA ही रहेगा, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो कई बार हम इसके लिखने के तरीके को चेंज कर देते हैं, जैसे वी हैव यूज स्टैटिकल टूल्स, द नेम ऑफ टूल इज़ ANOVA या एनालिसिस ऑफ एरियाज, ऐसे करके उसको चेंज करते हैं ताकि फ्लैग ना आए। तो ये सभी को पता है कि उतना होता है, उतना सॉफ्टवेयर फ्लैग लेता है, उसकी सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी इतनी है कि छोटे छोटे वर्ड्स भी वो ले लेता है। तो उस कंडीशन में पैराफ्रेज करके हम लिखते हैं। पैराफ्रेज का मतलब है थोड़ा बहुत बदलाव करके। राइटिंग कन्वेंशंस, व्हेन बोरिंग ऑथर्स एग्जैक्ट सेम वर्ड साइट योर ऑथर। बहुत ज़रूरी है, आप किसी के विचारों को लिख रहे हैं, कोटेशंस को लिख रहे हैं, तो
जो मेन ऑथर है जिसके द्वारा वो कोट किए गए हैं उनका नाम आप साइटेशन में लिखिए। इवन व्हेन पैराफ्रेजिंग ऑथर्स इंफॉर्मेशन, अब आपको क्या क्या देना है, साइट योर ऑथर। जब भी आप पैराफ्रेज कर रहे हैं तो ऑथर्स की इंफॉर्मेशन दीजिए कि मेन ऑथर कौन था, उसने ये कंटेंट कहाँ पे पब्लिश किया, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, रिसर्च पेपर में, बुक में, किसी अपने आर्टिकल में, फिर उसको पैराफ्रेज करिए। ऑलवेज व्हेन रिपोर्टिंग ऑथर्स इंफॉर्मेशन साइट योर ऑथर, जब भी आप किसी ऑथर, किसी और के विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी और से, तो हमेशा बोलिए जो मेन ऑथर है उनका नाम लेके बोलिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम बहुत मॉरल वाली चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उनके साथ जिन लोगों ने वो व्यूज़ दिए हैं, जिनके वो कथन हैं, वो हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे हमको यदि शेयरिंग सिखानी हो, हेल्पिंग अदर सिखाना हो, तो हम मदर टेरेसा का एग्जांपल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो किया है, तो बच्चे को भी पता है कि मम्मा के थॉट हो सकते हैं बट इसको कन्वे करने वाले कौन थे, मदर टेरेसा। तो इसमें रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा है ना, जबकि सोर्स मम्मी नहीं है, कोई और है। सिमिलर रिसर्च में भी होता है कि जो सोर्स है वो उसको आप मेंशन करिए और उसके साथ जो उसके मेन ऑथर हैं उनका नाम भी बताइए और साइट करिए। साइट करिए मतलब लिखना, साइटेशन, साइट करिए, तो वो प्लैक फ्री कंटेंट कहलाता है। साइट योर ऑथर, साइट, व्हाट डज साइट मीन, ये जो हम साइट साइट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लिखने का एक तरीका होता है जिसने ओरिजिनल कंटेंट दिया है। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ओबामा द इकोनॉमी, कुछ कहा होगा उन्होंने, ही गोज़ ऑन टू से, किस बारे में कहा। फिर ली ने 2007 में आर्ग्यू किया इन्फ्लेशन पे, देन फिर आर्मी एक्शंस लिया गया जिसमें इनकम्प्रहेंसिबल एंड रिप्रहेंसिबल, ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए बाय एडम एंड मॉर्टन ने, पेज नंबर 232 में। तो ये साइट का मतलब होता है कि जैसे हिंदी या इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना, कि किसने कहा, या तो हम डायरेक्ट बोलते हैं या इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो यहाँ पे साइटेशन में आपको डायरेक्टली बोलना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर नेम के साथ या डिजिग्नेशन के साथ, या रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स के नाम में, मतलब जहाँ से भी आप वो कंटेंट ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, ईयर बताएंगे, पेज नंबर मेंशन है तो वो बताएंगे, इसको कहते हैं साइटेशन। ऑल बोल्ड वर्ड्स, अब यहाँ पे बोल्ड की मीनिंग है ये जो एक्स्ट्रा डार्क है, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ओबामा, ही, ली 2007, एडम एंड मॉर्टन 232, ये जितने भी वर्ड्स हैं अबव आर एग्जाम्पल ऑफ साइटेशन। क्यों? क्योंकि ये जितने वर्ड बोल्ड नहीं हैं, ये क्या हैं, उनके ये विचार हैं, थॉट्स हैं, थ्योरी हैं, या जो उन्होंने कहा है उनके व्यूज़ हैं, ठीक है। तो साइटेशन का मतलब होता है ऑथर्स के बारे में, या जो सोर्स है, सही शब्द होगा सोर्स, जहाँ से वो वर्ड थॉट आया है उस सोर्स के बारे में बताना ही साइटेशन कहलाता है। वह कैसे बताया जा सकता है, किसी के नाम से, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करके, जैसे ही यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ओबामा को, या फिर पर्टिकुलर नाम से, ली, नहीं जानते हम ली कौन है, प्रेसिडेंट ओबामा को तो जानते हैं जबकि उनका पूरा नाम भी नहीं लिखा है, तो किसी अननोन का, फेमस जो नहीं है, किसी आम इंसान का, अननोन का नहीं, किसी आम इंसान का भी नाम लेके बात कहेंगे। फिर ईयर में कब कहा है, हो सकता है 2010 में भी किसी ने कहा हो इस टॉपिक पे, राइट। डिफरेंट डिसिप्लिन प्रोफेसर्स रिक्वायर डिफरेंट साइटेशन स्टाइल, बहुत सारे साइटेशन स्टाइल होते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट है, उसको आपको फॉलो करना है। जनरली
एपीए स्टाइल यूज होती है। व्हाट आर यू टेलिंग योर रीडर, रीडर को आपको सबसे पहले क्या बताना है। तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें कि व्हाट द रीडर सीज एज ए व्यूअर, एज ए रीडर आप अपने कंटेंट को एक बार चेक करिए कि जब आपका ये लिखा हुआ कंटेंट रीडर के सामने जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन उसका लुक कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट कैसी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है साइटेशन प्लस कोटेशन मार्क। यदि आप किसी की कोटेशन को लिख रहे हैं तो उसमें मेंशन करिए, ठीक है, द पैसेज इज समवन एल्स इंफॉर्मेशन इन दैट पर्सन एग्जैक्ट वर्ड। दो तरीके हैं, जैसे यदि हम कहें कि श्री कृष्णा ने भगवत गीता में ये कहा है तो क्या उनके सेंटेंस को हम बदल सकते हैं, नहीं है ना, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के अनुसार है। तो उसको वैसे ही लिखिए, प्रॉपरली कोटेशन मार्क करके लिखिए। देन साइटेशन प्लस नो कोटेशन मार्क, इसका मतलब है जिसमें हम पैराफ्रेज कर देते हैं, है ना, द पैसेज इज समवन एल्स इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन योर ओन वर्ड्स। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्णा जी ने भगवद्गीता में क्या कहा है, तरीका क्या हो गया इसमें। हाँ, भगवद्गीता में ऐसा भी कहा गया है कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर नॉर्मली सबको पता है कि श्री कृष्ण जी ने कहा है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल, दोनों बातों को जो कहने के तरीके हैं उसमें बहुत अंतर है। तो जब हम नाम के साथ कहते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए, जब हम साइटेशन कोट नहीं कर रहे हैं तो अपने शब्दों में उस थॉट को, व्यूज़ को, मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। नो साइटेशन प्लस नो कोटेशन मार्क, इसका मतलब है द पैसेज इज योर ओन आइडिया और योर ओन इंटरप्रिटेशन एक्सप्रेस्ड इन योर ओन वर्ड्स। अब मान लीजिए मैंने भगवद गीता नाम नहीं लिया और मैंने कहा हाँ ये देखा गया है, अनुभव किया है मैंने भी कि हमेशा अपना काम करो, रिजल्ट चाहे जो भी हो। ये तीनों सेंटेंस, ये तीनों रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम्पल थे, तीनों अलग ही अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। क्लियर है इतना? अब जैसे कि हम किसी